नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑल अबाउट होम मेकर में। आज मैं आपके लिए इस समर की एक सीजनल फ्रूट तरबूज की एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेके आई हूँ, जिसे आप वाटरमेलन मोहितो बोल सकते हैं, वाटरमेलन कूलर भी बोल सकते हैं, नहीं तो तरबूज की शरबत भी बोल सकते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वाटरमेलन के क्यूब्स काट लिए हैं और इसमें से जितने हो सके मैंने इसके बीज जो है निकाल दिए हैं। अब इसे मैं ब्लेंड करके जूस बनाऊंगी। एक ब्लेंडर में इस सारी क्यूब्स को लेके, वाटरमेलन क्यूब्स को, उसमें थोड़ा सा आइस क्यूब्स डाल के बस इसकी जूस बना लूँगी। जूस बन चुके हैं, अब इसे अच्छे से छान लूँगी ताकि इसमें थोड़ी भी गुठलियाँ नहीं तो कुछ दाना अगर रह गए होंगे, बीज अगर रह गए होंगे तो ये छलनी में रह जाएंगे। मुँह में अगर सीड्स आए तो पीने में मोहितो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, उसीलिए छानने से अच्छा रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जूस निकाल के रख दूँगी साइड में। अब यहाँ पे मैंने दो ग्लास ले लिए हैं, इसमें मैं पहले पाउडर शुगर डालूँगी। आप चाहिए तो नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर डालने से मिक्स अच्छे से हो जाते हैं। अब मैं इसमें लेमन के कुछ पीसेस डालूँगी। और पुदीने की कुछ पत्तियाँ। थोड़े से वाटरमेलन क्यूब्स छोटे छोटे साइज में कटे हुए, इसे भी डालूंगी अभी। अब इन सारी चीज़ों को ऐसे एक मडलर के सहारे ऐसे दबा दबा के इसमें से पूरा जूस निकालना है हमें। लेमन के भी जूस निकलेंगे, वाटरमेलन के भी जूस निकल आएंगे, ऐसे ही हमें दबा दबा के पूरे दोनों को जूस निकाल दूंगी। हो गए हैं, अब इसमें मैं जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आइस क्यूब्स डालिए। यहाँ पे मैं आधा ग्लास तक आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक आप पहले ही डाल दीजिए, तब मुझे याद नहीं था उसीलिए मैं ऊपर ही डाल रही हूँ। अब इसमें वाटरमेलन जूस जो बना के रखी थी उसे डाल रही हूँ। याद रखिए आपने जो नीचे क्यूब्स भी डाले हैं वाटरमेलन क्यूब्स, उसमें सीड ना हो वैसे ही कट कीजिए और सीड को निकाल दीजिए। अब मैं इसमें स्लाइस लेमन और थोड़े से फ्रेश पुदीना डालते हुए इसके ऊपर सोडा डाल रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को अब एक बार स्ट्रॉ के सहारे नहीं तो स्पून के सहारे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे मैं ऐसे ट्रायंगुलर वाटरमेलन कट करके रखी थी उसके साथ डेकोरेट कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़े से फ्रेश पुदीना लीव्स। आप सर्व आपके हिसाब से कीजिए, आपको जैसे पसंद हो वैसे आप सर्व कीजिए, अपने हिसाब से डेकोरेट कीजिए। देखिए हो गए हैं तैयार वाटरमेलन मोजीतो। घर में बनाइए, इस गर्मियों में
पीने के लिए इसे बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं और बहुत ही रिफ्रेशिंग रहते हैं। कोई गेस्ट आए हो तो उन्हें सर्व कीजिए, ये बहुत ही आरामदायक होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे दिए गए बेल बटन को भी दबाना ना भूले ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।